हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लाइफ। मैं नीतीश, मैं ममता, और आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं ताज एक्सप्रेस में। जी हाँ, ताज एक्सप्रेस में। और हम लोग ताजमहल देखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं झांसी, क्योंकि ये झांसी तक जाती है। हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक की जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरी जर्नी करते हैं आप लोगों के साथ, एंजॉय। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और प्लीज तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, साथ साथ इंस्टा फॉलो कर लीजिए। और ये सी वन तो करें जर्नी को स्टार्ट। चलिए, और ट्रेन की स्पीड का आनंद लेते हुए जर्नी के लिए निकलना बहुत बड़ी मुश्किल काम होता है। सुबह के 5 बज रहे हैं, ट्रेन हमारी 6:55 मिनट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर है, तो कम से कम 30-40 मिनट जाने में लगेगा। और लोग फटाफट से रेडी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी सुबह उठना पड़ता है, ज़्यादा सुबह। वैसे सुबह उठते हैं, लेकिन कहीं जाना हो तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है। रेलवे स्टेशन 6:05 हो रहे हैं, और चलते हैं फटाफट से, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म से हमारी ताज एक्सप्रेस निकलने वाली है, और चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम ताज एक्सप्रेस से आगरा नहीं जा रहे हैं, हम लोग झांसी जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म 13 से निकलेगी, तो हम लोग प्लेटफॉर्म 13 पे जा रहे हैं। आज मेरी गेट साइड 16 नंबर होता है, तो बस एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है हमें, और 13 पे पहुंच जाएंगे। मॉर्निंग देखिए कितना भीड़ हो रहा है, इतना रश हो रहा है। अभी सुबह सारी ट्रेन यहाँ आती है ना, तो सुबह सुबह भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलते चलते हम प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बाहर आ गए, लेकिन हमारा कोच अभी तक नहीं आया। उधर शताब्दी बाहर काठगोदाम शताब्दी है, ये यहाँ से निकल रही है, और हम लोग पहुँच गए C2 C1 में। हमारा रिजर्वेशन है, तो C1 जस्ट पहुँचने वाले हैं हम लोग, लेकिन बिल्कुल प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुके हैं हम लोग। मतलब पहला कोच हमारा है C1, उसके बाद इंजन है। तो ये देखिए, बिल्कुल हम लोग न्यू दिल्ली जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और ये इंजन है इस ट्रेन का, इंजन के बिल्कुल साथ में हम लोग हैं। ये देखिए न्यू दिल्ली, तो ये है साने पंजाब ताज एक्सप्रेस से हम सवारी करने वाले। एक्चुअली ये दो टाइमिंग पे चलती होगी, एक बार साने पंजाब बन के, एक बार ताज एक्सप्रेस बन के। तो जो हम लोग जा रहे हैं 12280 ताज एक्सप्रेस से, न्यू दिल्ली से झांसी यहाँ खड़ा हुआ है, तो झांसी हम लोग जा रहे हैं ये वाले रूट में। ये वहाँ से डाउन का है आने का, तो हम लोग इससे अभी जर्नी करने वाले हैं। आज ही ताज एक्सप्रेस में सवारी करते हैं। इधर इसका वीडियो बन रहा है। चार सीट है, ये 51, 52, और इधर एक 58, उस पर कौन बैठेगा, वेदराज का सीट है, उसका नाम अलग से। ट्रेन में एंट्री करते करते सबसे पहला हम टॉयलेट देखते हैं, और आप लोगों को दिखाते भी हैं। तो स्टार्टिंग इस चीज़ करते हैं टॉयलेट से, यही देखते हैं, साफ सुथरा टॉयलेट देखता है। देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पाश्चात्य शैली, इसमें चलते हैं, ये बंद है। साफ सुथरा है, वॉश बेसिन भी है, बढ़िया है। दिन की जर्नी है, साफ सुथरा होना चाहिए, टॉयलेट करने का होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये देखिए C1 का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है,
और अभी जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली 6:40 हो गया है, 15 मिनट और समय, 6:55 से पार चलते हैं। चलिए सीट पे, चलिए। वेदिका को थोड़ा दो चाहिए ट्रेन को, मतलब एक्साइटमेंट के लिए उसको खाने पीने के लिए चाहिए चिप्स वगैरह, तो हम लोग लेने के लिए उतर गए क्योंकि 15 मिनट टाइम है, तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं, 15 मिनट बहुत टाइम होता है वैसे, और सामने चिप्स की दुकान है तो चिप्स ले लेते हैं, थोड़ा वेदिका चार्ज हो जाएगी, सुस्ती दिख रहा है उसे, जर्नी पर निकलती है तो वो थोड़ा ब्लैकमेल करती है हमें, चिप्स चाहिए चिप्स चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट से चिप्स ले लेते हैं हम लोग। तो अभी मैं मोबाइल को ओपन करके थोड़ा ताज एक्सप्रेस की हिस्ट्री निकाल रहा था, पता चला 1965 में ताज एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ था सिर्फ आगरा जाने के लिए, आगरा जाने के लिए ताजमहल देखने के लिए लोगों को 1965 में इस ट्रेन की स्टार्टिंग हुई थी, फास्ट फास्ट ट्रेन थी उस टाइम की, और जो 3.5 घंटे की जर्नी थी उसको 2.5 घंटे में इसने कन्वर्ट किया था। आज नहीं, आज इसे भी फास्ट फास्ट बहुत सारी ट्रेनें हैं, बट उस समय की बात, ताज एक्सप्रेस। ठीक है, खुश हाँ, बस इतना ही चाहिए था, हो गया पूरी जर्नी, चली जाएगी अब झांसी तक, अब हम लोग भी आराम से बैठ जाते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दो दिए हुए हैं, मतलब एक आगे वाली सीट क्लिक भी चल रहा है, मतलब हर दो सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है हर जगह का, लाइट वाइट भी दिया हुआ है, तो बड़ी पहुँचाएगी यहाँ पर, 2 बजे पहुँचेंगे यहाँ पे, 6:55 में डिपार्चर होगी और 2 बजे हम लोग झांसी पहुँचेंगे, झांसी आगे झांसी पहुँचेंगे, और इसका सीट अलग हमेशा मिल जाता है, अलग अलग, एक्चुअली ये सीट हमारा नहीं है, ये सीट है हमारा और तुम्हारे नाम का अलग है, क्यों बिफोर वेदराज। ये लेग स्पेस बढ़िया है, ये जो स्पेस है ना बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे मतलब मैं 6 फीट का आदमी हूँ, मेरा पैर पूरे आराम से रखा हुआ है, और ये लेग फुटरेस्ट भी बढ़िया है, अच्छे स्पेस में, और साथ में ये ट्रे गुड, यहाँ पे मैं बहुत सारा कुछ खाने वाला हूँ झांसी पहुँच रहे तक, यहाँ वाटर बोतल रखने के लिए दिया हुआ है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और ये जो पीछे वाली सीटिंग है ना, ये भी ठीक है, शताब्दी की तरह है, वंदे भारत, वंदे भारत की सीटिंग बहुत ख़राब है, मतलब एक तो लंबी जर्नी होती है उसकी, हमें पसंद नहीं आती, और उसमें जैसे ही मतलब आपका जब पीठ दर्द करना तो सीधा नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे अकड़ के बैठ रहा था, तो वो वंदे भारत वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, भले हाईटेक ट्रेन है सब कुछ हाईटेक है, बट वो सीटिंग उसकी अच्छी नहीं है। तो इस ट्रेन में 2 तरह की क्लासेस हैं, एक तो जनरल है, जनरल सीटिंग, सेकंड सीटिंग है, जिसका एक तक का फेयर है यहाँ से झांसी तक का, न्यू दिल्ली से झांसी तक, और हमने एसी चेयर का लिया है, एसी चेयर का आप देख रहे हैं तो लोग बैठे हैं, सवारी चेयर का 600 रुपये है न्यू दिल्ली से झांसी तक का जर्नी का, तो बढ़िया है, शताब्दी से पर्पज़ है, इस पर खाना वाना इंक्लूड नहीं है, खाना वाना आपको जो भी आएगा परचेज करके आपको लेना होगा, देखते रहते आपको दिखाते चलेंगे क्या क्या मिलता है, बिक रहा है, क्या बिक रहा है, मिल रहा है, वैसे हम लोग खाना लेके आए क्योंकि सुबह सुबह निकले थे, हम लोग ब्रेकफास्ट ले लिए क्योंकि 2 बजे दिन में पहुँचेगी ट्रेन, 7 घंटे की जर्नी है तो भूख तो लगेगी लगेगी, तो ब्रेकफास्ट बना के घर से आया हुआ है, दिखाएंगे क्या क्या ब्रेकफास्ट में आया है, और अभी कॉफ़ी जो भी ट्रेन बिकने आएगा वो आपको दिखाते रहेंगे, हाँ, ताकि जो लोग ब्रेकफास्ट लेकर ना आए उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता होना चाहिए। और ये आ रही है प्रयागराज एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली टू प्रयागराज, प्रयागराज एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन ने शायद हॉर्न दे दिया, टाइम हो चुकी है, तो मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड से डिपार्चर ले रहा हूँ क्योंकि उस साइड ज़्यादा जगह है नहीं, यहाँ से अच्छा इंजन लुक आ रहा है इसलिए मैं इधर से ले रहा हूँ, उधर से ट्रेन भी दिख रहा है तो बढ़िया लग रहा है मुझे, और बिल्कुल टाइम से ट्रेन निकल गई है और हम लोग झांसी पहुँच जाए टाइम से, बस यही उम्मीद है। और ये देखिए मैं इधर से ले रहा हूँ, एक सीट में उधर से दिखा देता हूँ, दिल्ली।
स्टॉप है दिल्ली से लेकर झांसी तक, तो मेजर जब सब जगह जाता जगह पर 2 मिनट का स्टॉप है, और आगरा कैंट में 5 मिनट का स्टॉप है। तो करते हैं पूरी जर्नी को, 7 घंटे का टोटल जर्नी है, और चलिए देखते हैं जर्नी में क्या क्या होती है। आगरा कैंट तक ज़्यादातर लोग आगरा जाते हैं इस ट्रेन से, और अब झांसी तक एक्सटेंड हो गया है, 2006 से इसको झांसी तक एक्सटेंड कर दिया गया था, तो झांसी के लोग भी ताजमहल देखेंगे, है ना। तो हमने जब सोचा कि ताज एक्सप्रेस की जर्नी की जाए, तो ताज एक्सप्रेस से ध्यान तो सीधा आगरा का ही आता है कि आगरा ताज एक्सप्रेस से आगरा ही जाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि अगर ट्रेन झांसी तक जाती है तो हम लोग पूरी जर्नी करेंगे। yes. तो हमने फिर अपने जर्नी को कन्वर्ट कर दिया दिल्ली टू झांसी, तो लेकिन उसमें दिल्ली टू आगरा भी कवर हो जाएगा और दिल्ली टू झांसी भी कवर हो जाएगा, है ना। टोटल जर्नी कम्प्लीट हो जाएगी, पूरा कम्प्लीट जर्नी आप लोग को दिखाने का मन था। यस, और अगर आप लोग दिल्ली से आगरा तक की जर्नी कर रहे हैं तो एसी चेयर का किराया 385 रुपया, और जो नॉन एसी चेयर कार है उसका 103 रुपये, मैं कन्फर्म हो जाता हूँ, 105 रुपये का फर्क, कोई बात नहीं, 105 रुपये हम आगरा घूम करके, ये 2 रुपये कम में काम चला रहे हैं, तो सेटिंग कर लेता हूँ ट्रेन के साथ, तो 105 और 105 210 रुपये में आगरा जाके आप वापस आ सकते हैं, बहुत फास्ट, सुबह जाइए शाम में वापस आइए और आगरा ताजमहल देख के आइए। तो जो पहला स्टॉप है वो हजरत निजामुद्दीन, जो दिल्ली का ही रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूसरा स्टेशन है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से भी इस ट्रेन में बोर्ड करेंगे दिल्ली से, जो है यहाँ पे 7:06 पर आती है और 7:08 पर यहाँ से निकल जाती है। तो अभी हम लोग हजरत निजामुद्दीन पहुँच चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा पैसेंजर, ज़्यादा भीड़ आने वाली है दिल्ली के। तो हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन निकल चुकी है, और अभी अगला स्टॉप फरीदाबाद आने वाला है, और उससे पहले हमारा ब्रेकफास्ट निकल चुका है। क्या लाइए ब्रेकफास्ट में? ये देखिए, आलू का भुजिया है, पूरी है, आलू का भुजिया है, और अचार नहीं लाई हो? एक सेकंड वेट करिए, अभी कुछ और है, क्या है, कुछ स्पेशल? वेट अभी सही चीज, ये अचार, ये अचार, ये अचार, ये कुंदरी का भुजिया, ये भिंडी का भुजिया, मजा आएगा। हम लोग खाने बिजी हो जाएंगे, फरीदाबाद 2 मिनट का स्टॉप होगा, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, खाना जाएगा अंदर तभी तो एनर्जी निकलेगी ना, और ये बेचारा अकेला मायूस सा इधर बैठा हुआ है। ट्रेन में ना पूरी भुजिया अचार, ओ खाने का मजा ही कुछ अलग है, मजा आएगा, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है उसका, ऐसे अगर घर में खाइए तो ठीक है अच्छा लगता है, लेकिन जब जर्नी में खाइए तो आज गला हुआ, एक बार सुनाओ तो आप कोई भी भुजिया दे दो, अपना अचार तो सोने पर सुहाग, भिंडी के साथ अलग अलग भुजिया का टेस्ट हो रहा है। फरीदाबाद से 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये जो खाना है
पूरी के साथ भुंजा, भिंडी की भाजी, पुंदरी की भाजी और साथ में आलू की भाजी भी है। ये जो सबसे बेस्ट है अचार, ये घर का बना हुआ अचार सबसे टेस्ट है। ये आता ना खुशबू फैलता है ना, ओह मैं आसपास वाले बढ़ जाती है। हाँ भूख बढ़ जाती है, आसपास वालों को भी डालना चाहिए अपना। और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन बस आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। मैं अभी खा रहा हूँ तो प्लेटफॉर्म पे बाहर निकलूंगा नहीं। फरीदाबाद में समोसा बिकना शुरू हो गया, फरीदाबाद में रुकी हुई है मगर अभी मन नहीं है समोसा। अभी ब्रेकफास्ट करना कुछ देर बाद, बहुत देर जर्नी करना, 7 घंटे, आधा घंटा लेता है। कंबल लेके चलो, बूढ़ी कहाँ पड़ी है ठंड से कहाँ पड़ी है। हाँ अरे इसकी हालत ये है, जब धूप में निकलती है चश्मा इसके पॉकेट में होता है, जब गाड़ी में बैठी हुई है तो बिल्कुल चश्मा मार के बैठी हुई है। कहाँ घूमने जा रही, कहाँ ट्रेन में ट्रेन सवारी चश्मा मार के करोगी, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। तो बढ़िया ट्रेन रन, बढ़िया चली जा रही है ट्रेन, फुल स्पीड में चली जा रही है, स्पीड में है मस्त। और हम लोग वैसे नाश्ता वैसे नहीं किए हुए थे, सुबह सुबह बैठे थे तो चाय कॉफी सब ही करा था, अभी टाइम पास कर रहा, नींद आ रही है, चाय वाय कॉफी वॉफी को चाय ले, एक भी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आएगा, आगरा में मिलेगा। हम लोग कॉफी पी, कॉफी चाहिए, कॉफी 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 पावर सप्लाई मॉड्यूल DC2, अच्छा 110 वोल्ट DC2 24 वोल्ट DC कन्वर्टर, और ये है ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम। अच्छा हीट और स्मोक डिटेक्शन है, कोई अगर सिगरेट पीता है तो डिटेक्ट कर लेगा, कहीं आग लगती है हीट गर्म होता है तो ये डिटेक्ट करेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, नहीं तो मथुरा के पेड़े जरूर खाता मैं, लेकिन हमारा कोच ही बहुत आगे है तो 2 मिनट का स्टॉप, अगर मैं जाऊँ उधर प्लेटफॉर्म तक जहाँ पेड़े मिलेंगे तो ट्रेन आगे आगरा पहुंच जाएगी। तो आप लोग अभी मथुरा यहाँ के पेड़े जरूर लीजिएगा, मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है। और मैं चलता हूँ अपने कोच के अंदर, नहीं तो बाहर छूट जाऊँगा। ट्रेन मथुरा से निकल गई है और बिल्कुल 2 मिनट का स्टॉप था, और सबसे आगे कोच होने का ये नुकसान, सबसे आगे या सबसे पीछे होता है ये बड़ा नुकसान होता है कि हम प्लेटफॉर्म के नज़दीक, मतलब मेन प्लेटफॉर्म के नज़दीक होते हैं जहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, बिल्कुल उसे छट जाते हैं। तो या तो बीच में कोच डालना चाहिए, अगर AC के कोचेज 1-2 है तो बीच में डाल देना चाहिए ना।
अभी बीच में है पब्लिक, चलो कोई बात नहीं, जैसा है उसी को एंजॉय करें, है ना। चलिए मथुरा से ट्रेन निकल चुकी है, अब इसके बाद आया कि मंडी रुकेगी ट्रेन। अच्छा उतरा सा तब गया प्लेटफॉर्म पे, कुछ मिले ना मिले लेकिन ट्रेन में मिल जाता है ना। प्लेटफॉर्म में आप बहुत दूर होते हैं लेकिन ट्रेन में आपके पास आ जाता है। वेरी गुड, तो चाय तो एंजॉय कर ही सकते हैं, पेड़े नहीं, पेड़े ना सही, चाय सही। ओह चाय की चुस्कियों के साथ ताज एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मथुरा वैसे अक्सर हम लोग आते रहते हैं, गाड़ी से आते हैं, बहुत कम समय लगता है, एक डेढ़ घंटे में लोग पहुँच जाते हैं, कभी रात में स्टे भी कर जाते हैं और भगवान मथुरा वृंदावन सब घूम के जाते हैं हम लोग अक्सर। बाकी बिहारी का दर्शन तो नहीं पाता, मंदिर का दर्शन, कृष्ण जन्मभूमि और बाकी बिहारी वृंदावन दोनों दर्शन करके जाते हैं। आप लोग आइए यहाँ घूमने के लिए, दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा लगे। तो अभी जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो आगरा का राजा की मंडी, आगरा से पहले राजा की मंडी स्टेशन है, और राजा की मंडी में अभी उसके बारे स्टेशन के बारे में थोड़ा रीड कर रहा था गूगल पे, तो मैंने देखा तो राजा राम व्यास, राजा राम व्यास जी थे वो, उनका एक रोड है उसमें मार्केट लगा करता था, तो वो राजा की मंडी के नाम से वो रोड फेमस था, उसी के नाम से स्टेशन का नाम रखा गया राजा की मंडी। अच्छा। वही मैं सोचा राजा की मंडी क्यों है, अभी मैं ये विकिपीडिया पे देख, ये है राजा की मंडी स्टेशन, और मंडी पूरी खाली पड़ी है क्योंकि राजा जी नहीं है, तो बिना राजा जी के मंडी तो सुना ही पड़ा रहेगा ना। कहाँ गए राजा जी, आइए राजा। अच्छा राजा जी यहाँ बैठे हैं, मिल गए राजा जी, मिल गए मंडी, राजा जी आपकी मंडी। बोलिए, माइक चल गया, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन मैं भूल गई, बीच में क्या हुआ था कि गोप्रो का बैटरी खत्म हो गया, उतनी देर में मैं माइक निकाली थी कि मतलब दूसरा माइक आ गया, इतने सारे रिपोर्टर इस राजा के पीछे पड़े हुए हैं। ये रही आगरा छावनी, और यहाँ पे हाँ छावनी है, तो यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है ट्रेन का, नहीं एक ही है। तो तकरीबन आधे घंटे लेट हम लोग पहुंच गए आगरा कैंट, और यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप, और आगरा में जैसे ताजमहल फेमस है ना वैसे ही आगरा का पेठा फेमस है, तो अगर आगरा आए तो आगरा का पेठा जरूर ट्राई करें, यहाँ से लेके जाए, आगरा आए ताजमहल देखकर और आगरा का पेठा लेके जाए, है ना। तो 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है, और तकरीबन आधे घंटे लेट पहुँचे हैं, 30-35 मिनट लेट है, 9:35 का टाइम है यहाँ पे, हम 10 बजे पहुँचे हैं, 10:05 में। तो बस यहाँ से ज़्यादा पब्लिक तो चली नहीं, ज़्यादा लोग उतरे हैं तो ट्रेन अभी खाली हो गई, आगे देखते हैं और पब्लिक आती है नहीं आती है, झांसी तक का क्या, झांसी आगरा छावनी बिल्कुल सबसे आगे जाके हम लोग रुकते हैं, और यहाँ से ये ट्रेन एक्सटेंड हो गई थी झांसी के लिए, और झांसी का नाम भी चेंज हो चुका है, वीरांगना लक्ष्मी बाई हो चुका है, VGLB। तो थोड़ा याद करना मुश्किल होता है क्योंकि नाम अभी नया नया चेंज हुआ है, झांसी हमारे जवान पे चढ़ा हुआ है, तो स्टेशन का नाम अब हो गया है वीरांगना लक्ष्मी बाई, तो अब यहाँ से झांसी का सफ़र। तो चले ट्रेन के अंदर चलते हैं, बाहर करना भी क्या, वैसे भी सारी चीज़ें तो दूर में मिलती है, वैसे यहाँ पे भीड़ भाड़ सा है बट चीज़ें कुछ नहीं मिल रही है, आगे कोच का होना थोड़ा सा दुखदायी होता है। ओहो हरी झंडी वहाँ पे गार्ड साहब दिखा रहे हैं, 5 मिनट का स्टॉप था बट 10 मिनट तक रुकी यहाँ पे ट्रेन, और अब आगरा से निकल पड़ी है ट्रेन, और वो सामने लगी हुई तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली। लेते हुए बहुत ही मजा आ रहा है, मगर सेफ्टी के साथ साथ मजा भी चाहिए।
जबरदस्त सफाई चल रही है। और हम लोग धौलपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है और स्टेशन कोड है DHO ढोलकपुर। छोटा भीम रहता है, ढोलपुर है जहाँ बिल्कुल हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिक रहा है, ट्रेन के अंदर भी आ गया है और ट्रेन के अंदर भी चाय समोसा सब कुछ बिकने लगा है। वाह वाह क्या बात है, ढोलपुर ढोलपुर ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक्स का भी व्यवस्था है। वाह क्या बात है, हाउ सा फटाफट लीजिए मैडम, आप भी खाइए, आपके लिए लेके आए बना के। क्या बात, मजा आया ना एप्पल खाने में। अरे अपने पूरी भाजी बचा कर रखी हुई है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। हम लोग फ्रूट्स खिला रही है, खुद पूरी बाजी खा रही है। और हम लोग ग्वालियर पहुंच चुके हैं और जो बचे कुचे लोग थे वो भी यहाँ ग्वालियर में उतर रहे हैं। हम लोग अब अकेले हो जाएंगे। तो हम लोग उतर चुके हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है मंदिर और पैलेसेस के लिए फेमस। और यहाँ पे तानसेन जी का भी जन्म हुआ था, ये देखिए पूरा ग्वालियर दिखा दिया मैंने। तो चलते हैं, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है तो नीचे टहल तो सकता नहीं हूँ मैं, और चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ तानसेन जी यहाँ पे जब गाना गाते हो तो यहाँ पे बारिश और मतलब कितने कांचे तोड़ते हो ना, मतलब सुना था कि वो गाते थे तो कांच भी तोड़ रहे थे। आइए चलिए तानसेन के साथ चलते हैं हम लोग। यार जब निकलो तब खाना शुरू कर देती है, पूरा ट्रेन खाली हो गया, कुछ नहीं बचा इधर, कुछ लोग हैं। फाइनली इन लोगों का सपना पूरा हुआ। हम लोग जब भी टिकट बुक करते हैं हम सोचते हैं कि ये वाला सीट मिल जाए, ये 2 और 2 अब बीच में टेबल हो, लेकिन आज तक कभी नहीं मिला। हाँ ये 4 वाला मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी नहीं मिलता, हमेशा अलग अलग हो जाता है। आज पूरा ट्रेन खाली है, कम से कम 1 घंटे का सफ़र इस पर करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं, उसमें वो ज़्यादा बड़ा है उस नहीं भाई ठीक है। हाँ हम लोग 4 लोगों का है, गुड। आज लग रहा है कि तुम लोग जर्नी कर रही हो, मैं भी हूँ।
अरेइविंग ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पे हम लोग पहुँचने वाले हैं उस पे आ रहे पिरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। हाँ आ गए, दो स्टेशन हम लोग क्रॉस किया, एक तो दातिया और दावड़ा, दावड़ा पहले फिर दातिया, अब पिरांगना लक्ष्मी बाई 3 किलोमीटर पर है। गाड़ी बिल्कुल धीरे कर दी है और अब रुक चुकी है, अब नहीं धीरे धीरे थोड़ा देर रुकेगी तो आउटर सिग्नल पर रुक जाएगी। और वेदिका पूरे इस खाली जगह को एंजॉय कर रही है, यहाँ से वहाँ दौड़ दौड़ के, ये तो ये तो ये तो पूरा ट्रेन खाली मिल गया है इसको तो उतरने का समय हो गया, बहुत देर तुम ताज एक्सप्रेस से मजे ले लियो, और ये देखिए जगह भी बढ़िया वाला मिल गया स्टैंडिंग में कैमरा मरा सब लग गया, सब कुछ फैल चुका है झांसी। तो हम लोग पहुंच गए झांसी, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।